बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जनरल साइंस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 30। आज हम यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज करेंगे, सो आप लोग यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 30 ओपन कर लें। पेज नंबर 30 पे कंसेप्ट चेक की तरफ देखें। ये यूनिट हमने लिविंग थिंग्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, दैट लिविंग थिंग्स डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन उनमें होती है, मूवमेंट करते हैं, इस तरह सब के बारे में पढ़ा। तो अब इसका कंसेप्ट चेक में आप लोग देखिए। ऑल नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। व्हाट आर द 7 फंक्शंस यू हैव लर्नड अबाउट इन दिस यूनिट? के सर्टन फंक्शंस, तमाम जानदार चीज़ें जो हैं उनमें सर्टन लाइफ फंक्शंस होती है। तो आप लोगों ने इस यूनिट में कौन से 7 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, सीखा? तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में, अपनी रफ कॉपी में राइट कर लें, उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो आप लोगों, जिनके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। नंबर 2 की तरफ देखिए। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ये सेंटेंस गिवन है, हमने इसको कंप्लीट करना है। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग, जिंदा बच्चे को वो जन्म देते हैं, LIVE लाइव, YOUNG यंग। सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली 1 बेबी, ONE बेबी एट अ टाइम, वाइल द अदर्स प्रोड्यूस मैनी। कुछ मैमल्स एट अ टाइम, 1 मैमल उनमें प्रोड्यूस, वो 1 मैमल 1 बेबी को बर्थ देते हैं, उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, और कुछ के यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा कि अभी जो माइस है वो तकरीबन एट अ टाइम 32 बेबीज को बर्थ दे सकता है। सो राइट हेयर, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग, सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली 1 बेबी, राइट इन द ब्लैंक्स और ONE एट अ टाइम, वाइल अदर्स प्रोड्यूस मैनी, MANY मैनी। नो नो लोकेट पेज नंबर 31 एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में हम फर्स्ट वन क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर का है। आप लोगों के हाथ में पेंसिल हो और बुक में जो भी काम करेंगे, जस्ट यू विल डू इट विद पेंसिल, क्लियर? तो ये है नंबर 1, व्हाट डज लोकोमोशन यूज अप। जब लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट है जिसमें से प्लांट्स एक जगह से, सॉरी, जिसमें से लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। द प्रोसेस, लोकोमोशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मूव फ्रॉम वन एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्योंकि प्लांट्स तो लिविंग थिंग है, लेकिन उनकी सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स मूवमेंट शो करती हैं, फुल प्लांट मूव नहीं करता। लेकिन एनिमल्स जो है वो खुराक की तलाश में, वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, पनाह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं, इस मूवमेंट को। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि लोकोमोशन क्या यूज़ करता है, जब ये मूवमेंट करते हैं तो इसमें क्या यूज़ होता है। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 एयर, नंबर 3 पेट्रोल, नंबर 5 नंबर डी कोल। तो हम एनर्जी यूज़ करते हैं। सो राइट इन सर्कल नंबर ए, नंबर ए को इनसर्कल कर दें, एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए नंबर 2, विच ऑफ दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। के ऑल लिविंग थिंग्स में से ये विच ऑफ दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स में इनमें से कौन सा प्रोसेस सब लिविंग थिंग्स में होता है। नंबर 1 ब्रीथिंग थ्रू नोज, थ्रू द नोज। नंबर 2 रिस्पायरेशन, नंबर 3 ब्रीथिंग इन टू लंग्स, नंबर 3 ब्रीथिंग थ्रू स्पायरिकल्स। तो रिस्पायरेशन तमाम लिविंग थिंग्स में होती है, फिर डिफरेंट वो सांस लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑल लिविंग थिंग्स में होता है। सो इन सर्कल नंबर बी ऑप्शन, रिस्पायरेशन। लुक एट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट विच ह्यूमंस एक्सहेल। इनमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन, एयर, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट, हमारे ह्यूमन जो है वो एज अ वेस्ट, हम लोग एज अ वेस्ट एक्सहेल करते हैं, इन सर्कल ऑप्शन डी। नंबर 4, फिशेज हैव अ सिक्स्थ सेंस, व्हाट इज इट?
फाइव सेंस तो तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें फाइव सेंस, जो एनिमल्स हैं उनमें फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो फिशेज है उनमें सिक्स सेंस है, और वो क्या है? हेयर्स ऑन द बॉडी, हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, नो. स्ट्रिप्स ऑन द इट्स बॉडी दैट हाइड इट, नो. नंबर सी, अ लाइन अलॉन्ग इट्स बॉडी दैट अलाउज द फिश टू फील वाइब्रेशंस इन द वाटर. तो ये वाला करेक्ट है कि उनकी बॉडी पर एक क्या होता है, एक लाइन होता है जो कि वाटर में, उन लाइन की वजह से वो लेटरल लाइन होता है उसमें, वो इसकी वजह से वाइब्रेशन फील कर सकते हैं. सर्कल नंबर सी. नंबर फाइव, अ फ्लाई टेस्ट्स विद इट्स डैश. क्या है? फीलर, नो. एंटेना, नो. फीट, द करेक्ट ऑप्शन इज फीट. सो इन सर्कल नंबर सी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में. नंबर वन में ए ऑप्शन करेक्ट है, इनसर्कल करें. नंबर टू में ऑप्शन बी इनसर्कल कर लें. नंबर थ्री में ऑप्शन डी इनसर्कल कर लें. नंबर फोर्थ में ऑप्शन सी, और नंबर फाइव में भी ऑप्शन सी इनसर्कल कर लें. अब आप लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखें. मैच द कॉलम इन द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच करना है. इसमें से कॉलम ए में डेफिनेशन है और कॉलम बी में क्या है, इसमें टर्म्स है कि कौन सी, किस वाले के लिए सही क्या है, टर्म कौन से वाला है. नंबर वन, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, तो दिस इज़ लोकोमोशन. नंबर वन को सी के साथ मैच कर ले. नंबर वन के लिए करेक्ट टर्म जो है वो लोकोमोशन है. नंबर टू, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड देम. तमाम जानदार चीज़ों में ऐसी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चेंजेस को फील कर सकते हैं. सो दिस इज सेंसिटिविटी. ये भी एक लाइफ फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग है कि दे आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरमेंट. सो इन सर्कल नंबर टू विद मैच नंबर टू विद ऑप्शन डी. फिर नंबर थ्री की तरफ देखें. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो प्रोसेस जिनमें से लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं बॉडी से. सो वी नो दैट दिस प्रोसेस इज रिस्पायरेशन. सो मैच नंबर थ्री विद बी, रिस्पायरेशन. नंबर फोर, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज. कि वो प्रोसेस जिनमें से लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी स्पीशीज को, अपनी जिनमें लिविंग थिंग्स की नस्ल बढ़ती हैं, तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन. सो मैच नंबर फोर विद ए. दोबारा देखिए. नंबर वन के लिए करेक्ट टर्म है द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोकोमोशन. नंबर टू, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड देम, सेंसिटिविटी. नंबर थ्री, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नंबर बी, रिस्पायरेशन. नंबर फोर, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज, दिस इज रिप्रोडक्शन. क्लियर? आप लोग ये क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू कर ले, और पेज 30 पे कंसेप्ट चेक में जो ब्लैंक्स हैं उनमें भी अच्छी तरह से नीटली से पेंसिल से राइट कर ले. क्लियर?